इस समय जो न्यूटन का तीसरा नियम है उसके कमी के बारे में दुनिया भर के वैज्ञानिक संस्थाओं ने मेरे विचारों को अहमियत दी है और लिख कर दिया है कि अगर ये प्रयोग किए जाते हैं और सफल हो जाते हैं तो भारत को नोबेल प्राइज़ मिलेगा। इनमें अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स के प्रेसिडेंट और भारत के CSIR की लेबोरेटरी, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी न्यू दिल्ली के साइंटिस्ट भी शामिल हैं। नियम की मुख्य खामी यह है कि यह वस्तु के आकार के बारे में पूरी तरह से साइलेंट है, ये उसके बारे में कुछ नहीं बोलता है। 335 वर्ष पुराने नियम में आकार की बात किसी ने आज तक उठाई ही नहीं है, इसको उठाने वाला सिर्फ एक साधारण सा भारतीय है। और अगर ये प्रयोग एक ढंग तरह से सफल हो जाएं तो भारत को नोबेल प्राइज़ मिलेगा और मैं इस बात पे पूरी तरह विश्वस्त हूँ। विश्वस्त इसलिए हूँ कि साइंसदानों की रिपोर्टें जो हैं 39 साल की मेहनत के बाद आज मेरे साथ पॉजिटिव हैं। और मैं सरकार से एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस कार्य को सीरियसली लो, ये इस तरह से हल्के में लेने वाली बात नहीं है। और एक कमेटी सी बना दी जाए जिसको 10 लाख रुपए दे दिए जाएं और मुझे पैसा बिल्कुल नहीं चाहिए, ताकि वो प्रयोगों के लिए जो जो आवश्यक सामग्री है वो मुझे दें।